हेलो, आज हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था, किस तरह अपना काम आसान करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर इन्वेंट किया। कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था अबाकस से। जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स या जटिल होती गई, नेपियर बोन्स का इन्वेंशन हुआ, फिर पास्कलिन, लाइबनिज व्हील, एनालिटिकल इंजन, सेंसस मशीन आदि। आइए हम सब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबाकस से। यह सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो मेसोपोटामियंस ने 3000 साल बीसी में बनाया था। अबाकस का पूरा फॉर्म है अबैंडन्ड बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये एक चकोर लकड़ी का फ्रेम है जो दो भागों में बटा होता है। बीच में तारों पर बीट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज भी छोटे बच्चे इसे बेसिक कैलकुलेशन सीखने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ। 1617 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। यह एक चकोर सा डिवाइस था जिस पर हड्डियां या हाथी दांत से बने हुए रॉड्स थे। इन रॉड से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जा सकता था। इसके बाद पास्कलिन का आविष्कार हुआ। ब्लेज पास्कल, जो एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1642 में इस नए डिवाइस का आविष्कार किया था। इसको पास्कलिन का नाम दिया गया। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो गियर या पहियों से बना हुआ था और घड़ी की मशीन के समान काम करता था। ये अबाकस की तुलना में एडिशन और सब्ट्रैक्शन काफी फास्ट करता था। अगला डिवाइस लेबनिज व्हील था। इसे 1685 में गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर को ही एक्सटेंड किया, जिससे वह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था। इस डिवाइस में एक सिलेंडर या स्टेप ड्रम था जिसके दांत पहियों से जुड़े हुए थे। इसके बाद जैकवर्ड लूम का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार 1804 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने किया था। इस मशीन से उन्होंने कॉटन या कपास की बुनाई की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया था। इस मशीन को चलाने के लिए बहुत सारे पंच कार्ड्स या कार्ड्स जिनपे छेद किए जाते हैं इस्तेमाल किए जाते थे। सन 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। यह डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकता था और वो स्टीम या भाप पर चलता था। यह मशीन ना सिर्फ कैलकुलेशन कर सकती थी बल्कि उसके साथ उसका रिजल्ट भी स्टोर कर सकती थी। फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन का 1833 में आविष्कार किया, जो एक पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था और आज के मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना जाता है। यह पहली मशीन थी जिसमें 5 यूनिट थे, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल यूनिट। इसके लिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। फिर सेंसस मशीन का आविष्कार हुआ 1889 में। इसका आविष्कार हरमन नामक एक अमेरिकन ने किया था। यह अमेरिका की जनसंख्या को गिनने के लिए बनाया गया था। यह मशीन भी पंच कार्ड से काम करती थी, मतलब पेपर पर छोटे छोटे छेद किए जाते थे जिससे इस मशीन को इनपुट दिया जाता था। इसके बाद मार्क वन का आविष्कार हुआ। 1944 में हॉवर्ड एकिन ने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने आईबीएम के सहयोग से सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का विकास किया। यह पहली ऑपरेटिंग मशीन थी जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी से करती थी। यह थी मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत। इसके बाद 1945 में डॉक्टर जॉन वैन न्यूमैन ने एक कंप्यूटर डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम और डेटा को एक मेमोरी यूनिट में स्टोर करने का प्रस्ताव किया गया। इसके 5 भाग थे, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी
एक्सटर्नल स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट मैकेनिज्म जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आप हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वीडियो देखना मत भूलें, जो पहली से पांचवी जनरेशन तक कंप्यूटर के विकास के बारे में बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय।